on Jio Cinema. आपको तो आदत होगी जियो सिनेमा पे आने की, बट हाउ डू यू फील, किस तरीके की फीलिंग्स है इस सीरीज के बाद, इस व्हाइट वॉश के बाद, जो प्लान्स थे उसको किस हद तक एग्जीक्यूट करने में आप सफल रहे? नहीं देखिए, हमने सीरीज के पहले काफी काफी कुछ डिस्कस किया था और मैं तो एक साल से खेला नहीं था, तो जो टीम के जो प्लान्स थे, जो टीम के जो आइडियाज थे, राहुल भाई से मिलकर मैंने बात किया कि क्या हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन से लड़के को हम कहाँ बैटिंग करा रहे हैं और वो सब चीज। हालांकि मैं मैचेस देख रहा था बट मैं खेल नहीं रहा था, बट तो कुछ चीजों के बारे में हमने जानकारी, मैंने जानकारी पाई, तो उसको लेकर हम लोग ये सीरीज में आए थे। और कुछ कुछ चीजें हमको करनी थी, अलग तरीके से करनी थी, लड़कों को अलग तरीके से बॉल डलवाना था, कोई पावर प्ले में कंफर्टेबल नहीं है डालना उसको डलवाना था, जो डेथ में कंफर्टेबल नहीं है उनको डलवाना था, तो ये सब चीज के बारे में हमने काफी बातचीत की थी, तो आई थिंक काफी हद तक हमने वो बॉक्सेस टिक किए। I'm sure ये सवाल कई बार पूछा गया है, पर वो विश कप का जो डिसअपॉइंटमेंट था उससे उठना आसान नहीं, उससे उभर के आना आसान नहीं, लेकिन फिर इस जेन्युइन को लीड करना, जिस तरीके से नेक्स्ट जनरेशन तैयार कर रहे हैं आप लोग, उनके साथ उनको मोटिवेट करना और खुद को मोटिवेट करना एज अ प्लेयर, आपके लिए कितना आसान कितना मुश्किल रहा है, क्योंकि एक बार फिर से एक और वर्ल्ड कप प्लेयर है? नहीं बिल्कुल, देखिए आई डोंट थिंक कि यहाँ पे किसी को मोटिवेशन की जरूरत है, सारे लड़के यहाँ पे अपना छाप छोड़ना चाहते हैं, इंडिया के लिए खेलना सभी लोग को मौका मिलता नहीं है, तो आई एम श्योर कि जितने भी लड़के यहाँ पर है दे वॉन्ट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, तो जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप देख सकते हो कि काफ़ी हद तक लड़के अपॉर्चुनिटी को अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो बॉलर हो बैट्समैन हो, तो मेरा और राहुल भाई का काम काफ़ी आसान हो जाता है उस लिहाज से अगर आप देखो तो। हमें सिर्फ क्लैरिटी देने की ज़रूरत है, जो हम कोशिश करते हैं कि लड़कों को क्लैरिटी मिले, किस नंबर पर बैटिंग करना है और कैसे बैटिंग करना है, क्या देख रहे हैं हम हर एक इंडिविजुअल से, तो ये सब चीज़ के बारे में बातचीत होती है। लड़के भी जब ग्राउंड पे आते हैं तो उनको पता है कि क्या एक्सपेक्टेशन है और किस तरीके से खेलना है। जैसे आपने देखा आज विराट पहले बॉल पर यूजुअली खेलते नहीं है ऐसे, बट उन्होंने अच्छा इंटेंट दिखाया। संजू सैमसन भी पहले बॉल पे आउट हुए, बट T20 में आप अगर T20 क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको आउट होने का डर नहीं होना चाहिए। जो टीम का जो रोल है हर एक इंडिविजुअल का, वो काफी हद तक अगर आप निभाने की कोशिश करोगे तो टीम का काम हो जाता है। एक चीज और बिफोर आई लीव इट टू योर फ्रेंड्स प्रज्ञान एंड जरीन, घर पे वर्ल्ड कप 10 मैचेस में लगातार जीत, उसके बाद जो डिसअपॉइंटमेंट, पर्सनली आपने क्या किया वहां से लेके अब तक, योर बैक टू योर बेस्ट? नहीं देखिए, अभी मैं उसके बारे में सोचना नहीं चाहता, आपके चेहरे पे क्लियर नजर आ रही है। बिल्कुल देखिए, वर्ल्ड कप ये जो 50 ओवर वर्ल्ड कप है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा वर्ल्ड कप है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं T20 वर्ल्ड कप और टेस्ट चैंपियनशिप को मैं उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, बट हम बचपन से बड़े हुए ये 50 ओवर वर्ल्ड कप देखे, और इंडिया में जब होता है बहुत बड़ा माहौल होता है, तो हमने कोशिश की, अनफॉर्चुनेटली हम कर नहीं पाए, दुखी, सारी टीम दुखी थी, आई एम श्योर सारे लोग भी दुखी थे, यू नो, बट अभी हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी है, हम फोकस करेंगे कि उस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से अच्छे तरीके से यूज किया जाए और वर्ल्ड कप जीता जाए। ओके प्रज्ञान, आई एम श्योर जही भाई, आपके पास जब हम आगे बढ़ ही रहे और आगे की तरफ देख ही रहे, जगह जो हो जाता है, जो खेल है उसी तरीके से चलता है, लेकिन अभी इस वक्त भारतीय टीम के पास एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल है और काफी इंडिविजुअल्स बहुत अलग अलग जगह पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, काफी लोग हाथ अपना खड़ा करके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो भी डिसीजन लोगे कहीं ना कहीं आपको दूसरी चीजें भी मैनेज करनी होगी, क्योंकि उसको आप कैसे तरीके से देख रहे हो, क्या वो कम्युनिकेशन इतने बड़े टैलेंट पूल को वर्ल्ड कप के लिए, ऑफकोर्स जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वाड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो जो बाकी चीजें भी उसके साथ आने वाली है उसको आप किस तरीके से देख रहे हो? देखिए कहीं कहीं और काफी हद तक थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आप काफी लड़कों को ट्राई करते हो, जब आप जैसे हम ODI वर्ल्ड कप खेल रहे थे तो हमने T20 में काफी लड़कों को ट्राई किया, परफॉर्मेंस होता है उनका, फिर जब मेन स्क्वाड जब इकट्ठा होता है तो कुछ लड़कों को बाहर जाना पड़ता है, तो इट इज डिसअपॉइंटिंग फॉर देम, बिकॉज उनका थिंकिंग ऐसा है कि यार हमने परफॉर्मेंस किया बट हम बाहर हो गए, बट हमारा काम ये है कि क्लैरिटी देना और क्लैरिटी रखना टीम में, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम करना कुछ और चाह रहे हैं और हो कुछ और रहा है, तो काफी हद तक
सारे इंडिविजुअल जितने भी है, जो हमारा 25 पीस का जो पूल है, सारे लड़कों को काफी हद तक इन्फॉर्मेशन है कि किस प्लेयर से हम क्या चाह रहे हैं और किसका क्या रोल है. अभी तक ऑब्वियसली वर्ल्ड कप को टाइम है, हमने अभी तक वो जो 15 का स्क्वाड होता है वो अभी फाइनलाइज नहीं किया है, बट ऑब्वियसली आपके 8 या 9 10 लड़के तो यू नो माइंड में रहते हैं कि कौन खेलने वाला है. तो फिर वो जो जहाँ पर फिर आप जाते हो फिर उस हिसाब से आप कॉम्बिनेशन बनाते हो. जैसे वेस्ट इंडीज में यू नो थोड़ा स्लो कंडीशन होते हैं तो आपको वैसे पिक करना पड़ता है. बट जहाँ तक मेरा और राहुल भाई का सवाल है, आई थिंक हमने काफ़ी कोशिश की है इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कि क्लैरिटी रहे टीम में और उनको बताया जाए कि क्या हो रहा है. क्योंकि आप सिलेक्ट अपने परफॉर्मेंस करने के बाद भी आप बाहर हो रहे हो तो आप सबको खुश नहीं रख सकते. मैंने ये चीज़ सीखा है कैप्टनसी करते हुए कि आप 15 लोग को खुश रख सकते हो, 15 में भी जो बाहर